हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्लेड। गाइस आ चुके हैं कॉर्नर से। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि हम लोग बनाए थे खुद का मॉब एक्सपी फार्म, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, शायद से मैंने पानी के ऊपर बना दिया और पानी के ऊपर इतनी हाइट पर, या फिर वो सब क्या सिस्टम है बट मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब भाई यार वो लिटरली वर्क ही नहीं कर रहा था, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो बट अब आज की वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक मस्त सा लग्जरी हाउस, जो कि काफ़ी मस्त होने वाला है और जिसमें भाई मत पूछो एकदम बहुत ही ज़्यादा ओपी दिखने वाला है। तो यार चलिए यार इसी की आज की वीडियो धमाकेदार से स्टार्ट करते हैं। और यार प्लीज़ चैनल पे जो भी नए हो मेक श्योर चैनल को कर देना सब्सक्राइब, चैनल को कर देना लाइक और हाँ प्यार से कमेंट कर देना। और आज का वीडियो का एम रखते हैं ओनली 20 लाइक, क्योंकि भाई जैसे गरीब इंसान की भाई 20 लाइक्स ही रखते हैं। तो चलो सबसे पहले अपने देखो वुड कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा वुड इसलिए कलेक्ट करेंगे ना क्योंकि अभी लाइक क्राफ्टिंग टेबल और जो भी थोड़ा सा स्लैब्स वगैरह बनाना हो मैं उसके इस चीज़ से यूज़ कर लूँगा। क्योंकि देखो अभी यार मैं अगर स्प्रूस का वगैरह स्प्रूस या फिर डार्क का अगर वो जो वुड मिलते हैं वो ढूंढने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा ना, अभी जो लाइक नॉर्मल वाला वुड लगा दूंगा और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि किसी भी तरीके से करके मैं अभी नॉर्मल यूज़ करूँ और बाद में जो है कि मैं वो उसको फिर सही कर दूँ यार, तो वैसा दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि चलो देखो मैं घर बनाने वाला हूँ इसे 150 मीटर मतलब 150 ब्लॉक की दूरी पर, और ये थोड़ा सा आगे भी होने वाला है ताकि यार देखो अपने ने क्या करना है कि मैं आयरन जो भी अपना आयरन मतलब वो बनाऊंगा ना आयरन फार्म, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा। अब देखो यार यहाँ पे एक मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेन जगह दिखी थी, वहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। तो ये देखो गाइस यार ये मुझे सबसे ज़्यादा प्लेन जगह दिखी थी जो कि काफ़ी मस्त है। बस यहाँ पर थोड़े से पानी मारने और ग्रासेस को मतलब जो भी जितने सारे ग्रासेस हैं सारे के सारे ग्रास को रिमूव कर देना पड़ेगा। बट यार कोई बात नहीं, इसको तो पूरा का पूरा को तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो चलो यार इसको भी रिमूव करते हैं, बट क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मतलब करता रहा तो। थोड़ा सा इसको टाइम दे दो भाई, इसको भी रिमूव करते हैं फटाक सा। तो एक इधर डालते हैं फटाक से और एक यहाँ पे और भी दो तीन यहाँ पे। चलो ये हो गया इधर और ये फिनिश। तो चलो गाइस तो यार देखो थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने जितना मैं बनाना था मुझे घर उतना तक का तो हो गया। सारे के सारे जितने भी सामान हैं वो सारे के सारे सामान को इधर रख देता हूँ। और यार अब देखो सबसे पहले मुझे को चाहिए होगा ग्रेवल, ढेर सारे ग्रेवल, ढेर सारे सैंड चाहिए होंगे, क्योंकि यार देखो मैं ना कॉन्क्रीट बनाने वाला हूँ। अब मुझे कॉन्क्रीट बनाने के लिए पहले सबसे पहले कॉन्क्रीट पाउडर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर रख देता हूँ। और भाई इधर नहीं, अपना जो रिस्पॉन्स सेट था ना वो वहीं पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो वैसा यहाँ पर भी कर सकते हैं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं फटाक से। अब मुझे ग्रेवल और भाई सैंड दोनों ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने का, बस मैं घर का जगह ना भूल जाऊँ। अब मेरे को ग्रेवल चाहिए भाई, जितना ज़्यादा अमाउंट में ग्रेवल में, और भाई ग्रेवल ही लग रहा है मेरे को बट तो नहीं नहीं ये थोड़ी दूर से ना वो लग रही देखने में, मतलब ऐसे जो इमेज ब्लर टाइप का होता है ना उससे मेरे को लग रही थी कि भाई ये ग्रेवल ही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़े से ग्रेवल्स तो मिल चुके हैं। अरे अरे यार पानी में गिर गया। चलो कोई बात नहीं, देखो थोड़े से अमाउंट में मुझे ग्रेवल मिल चुका है यार यहाँ पे। भाई क्या ही बोलूँ, मैं पिकैक्स लाना ही भूल गया लॉल। तो देखो अभी मैं पिकैक्स लाना भूल चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं ना, ग्रेवल जितने भी अमाउंट में ग्रेवल हो सकते हैं मैं सारे के सारे ग्रेवल कलेक्ट करता हूँ और सैंड भी कलेक्ट करूँगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेरे को अमाउंट में चाहिए। एटलीस्ट यार 4 से 5 स्टैक तो ग्रेवल चाहिए, क्योंकि देखो अभी एक ग्रेवल से अगर वो बनाऊँगा ना तो मेरे को 8 पीस देते हैं, मेरे को इतना तो पता है कन्फर्म। तो उस हिसाब से मेरे को 4, 5, 6, 7 स्टैक में तो हो जाएगा, ठीक है ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 6, 7 स्टैक तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखो 6, 7 नहीं तो एटलीस्ट 4, 5 स्टैक तो मेरे को चाहिए ही होगा। 4, 5 स्टैक में मेरा काम बन जाएगा, 4, 5 स्टैक मैं, क्योंकि 4, 5 स्टैक कॉन्क्रीट बनाना पड़ेगा मेरे को वाइट वाला, और फिर मेरे को बनाना पड़ेगा ग्रे वाला लाइट ग्रे कलर का, तो वो भी बनाना पड़ेगा। तो चलो यार यहाँ पे ग्रेवल ढेर सारे ग्रेवल दिख रहे, देखो भाई इतने ज़्यादा अमाउंट में थोड़ी सी लैग कर रही है, ज़्यादा नहीं। देखो मेरे ना FPS थोड़े से हाई जाते हैं फिर वापस से डाउनफॉल होती है फिर वापस सही हो जाती है। आप लोग अभी देख सकते हो FPS रिकॉर्डिंग करने टाइम मेरी 50 जाती है, कभी कभी देखो 40 प्लस चल रही है। तो भाई ये ना मतलब अच्छा है। और जिन लोगों को FPS बूस्ट करना है कि यार पोजे ऐप लॉन्चर में कैसे FPS बूस्ट होता है, फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी आप लोग को वीडियो का लिंक मिलेगा, फटाक से जाओ और वीडियो को देखो और मस्त भाई इन्जॉय करो तुम लोग बस। अरे यार ये मैंने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे से फटाक से जितने सारे मतलब मेरे को मिल रहे हैं ना ग्रेवल सारे के सारे ग्रेवल कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को यार, और ढेर सारे ग्रेवल और ढेर सारे सैंड तो वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो यार मेरे को तो आधा से 1 घंटा टाइम लगेगा 200, बट तुम लोगों के लिए 2 मिनट का काम है, 2 मिनट दो मतलब मुझे 1 घंटा दे दो और तुम्हें 2 मिनट, तो उसके बाद मिलते हैं सारे सारे सैंड और ग्रेवल कलेक्ट करने के बाद। तो
ऑल राइट यार, काफी सारा मैं हम लेकर के आ चुके हैं, मतलब 3-4 स्ट्राइक ऐसे, 3-4 स्ट्राइक उसका और 3-4 स्ट्राइक उसका, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में लेकर के आ चुका हूँ और ढेर सारे स्क्विड को मार करके उनके यार लाइक वो भी लेकर के आ चुके हैं। एक बार में तो 5-6-4-3 ऐसे दे देता है, तो यार ज्यादा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। एटलीस्ट मैंने 15 मारा, एटलीस्ट मैंने 15 तो उतना 15 या फिर उससे एक्स्ट्रा मारा होगा, मैंने गिना नहीं। बट मैंने यार ढेर सारे यहाँ पे जो भी मेरे सामान था वो सारी की सारी सामान तो यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया है, लाइक यार ग्रेवल, सैंड एंड वो जो ब्लैक डाई था, और कुछ मैंने बोन मील्स भी कलेक्ट कर लिए क्योंकि यार मेरे को वाइट वाला था तो वो सब चाहिए था। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे वो बना लेते कॉन्क्रीट सैंड रखते ऐसे, ग्रेवल रखते ऐसे, और उसके बाद जो ग्रे डाई है ना उसको रखता हूँ इधर। अब ग्रे डाई कैसे बनता है वो तो आप लोग को पता है, लाइट ग्रे डाई बना करके उसके बाद फिर वो वाला डाल करके तो फिर ग्रे डाई बन जाता है, ठीक है। तो अब यार देखो थोड़ा सा और बनाते हैं, सैंड डालते हैं इधर से ऐसे नीचे, उसके बाद फिर ग्रेवल डालेंगे अपन ऊपर से ऐसे करके 32 और ये 16 हो गया, यहाँ पे ले लिया 64। चलो अब यहाँ पे फिर से डालते हैं और यहाँ पे एक वाइट वाला बना लेते हैं, क्योंकि यार देखो ये तो ऑलरेडी बन चुका है, 3-4 स्टैक हो गया इसका, मतलब 4 स्टैक इसका हो गया। अब यहाँ पे ग्रेवल डाल के मैं सोच रहा थोड़ा सा वाइट वाला इसका बना, वाइट वाला बना लेता हूँ वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये जाला मैंने इसको इधर से करा रखा यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे भाई क्या दिक्कत हो रही है, वाइट तो अच्छा मैंने वाइट डाई नहीं बनाया, डायरेक्ट बोन मील डाल रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा भाई, कोई नूब नहीं बोलेगा, ठीक है एडिटर काट देना भाई। तो चलो ये तो हो गया, अब यहाँ पे फटाक से वाइट डाई को मैं डाल देता हूँ, वाइट डाई डाल करके ना फटाक से कर लेता हूँ सबसे पहले इसको, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ भाई लेट ना हो और सारे के सारे काम जल्दी से फटाक से हो जाए, तो इस पूरा इसको फुलफिल कर लेते हैं जो 30 हो गया। अब यहाँ पे फटाक से 2 स्टैक हो गई, बन गई, अब और भी कर लेते पहले, ठीक है जितने भी लाइक मेरे पास रखे ना ग्रेवल हो सारे के सारे का वाइट बना लेता हूँ, क्योंकि देखो यार ब्लैक मतलब वो ब्लैक बोल रहा हूँ, ग्रे डाई ग्रे तो बन गया, अब मेरे को इसका बनाना है, ठीक है। चलो 4 इसका हो गया, 2-4 इसका हो गया और 4 इसका हो गया, ठीक है। फिर एक एक करके और भी बना लेते थोड़ा सा इनका भी ग्रेवल से, तो फिर वो सही रहेगा, ठीक है। ऐसे करके वाइट थोड़ा सा बना, अब यहाँ पे एक और ग्रेवल वाली बच रही है, यहाँ पे ग्रे डाल देता हूँ भाई, ठीक है, ताकि ग्रे भी डाल दूँ थोड़ा थोड़ा। देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ना, 3-3-6 3 और 2 5 स्टैक इसका हो गया, और ये रहा 5 स्टैक इसका, अरे भाई साहब एक्स्ट्रा हो गया रे, लॉल 6 स्टैक इसका बन गया, कोई बात नहीं। बट हम लोग ऐसे ही तरीके से इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि यार देखो अभी बोन मिल तो खत्म हो चुकी, तो अभी फटाक से इसको ही करते, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा तो ऐसे भी लाइक इसका ही काम है, समझ जो ग्रे वाले का ही काम है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग को दिक्कत पड़ेगा तो भाई सैंड और वो लेकर के आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यार देखो अब हम लोगों को क्या करना है ना, बहुत ईजी से ट्रेक लगाना है, बस आप लोग देखो क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई, अब यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, लाइक यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है यहाँ पे आ जाता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे डिग कर लेता हूँ, और फिर डिग करने के बाद आप लोग देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड से ही डिग करना पड़ेगा मुझे। तो ऑल राइट यार ऐसे करके मैंने बना दिया है, अब देखो आप लोग समझ गए कि इजी सिंपल सा ट्रिक क्या है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ चला गया, ये ले लेता हूँ भाई, मैंने तो लिया ही नहीं था लॉल, अभी फिर से मुझे वरना फिर वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपने को एक स्टिक भी नहीं है मेरे पास, वुड तो रखा ही हुआ है यार, मैं तो स्टिक भी बना ही लेता हूँ पहले, एक ये बनाता हूँ चेस्ट बनाता हूँ, और सारे को बड़े चेस्ट में रख देते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि यार बड़े चेस्ट में रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक काम करता हूँ बेड तोड़ देता हूँ, बेड के बगल में लगाते हैं, तो बेड को बगल में रख देंगे क्योंकि वो ज़्यादा उधर ऐसे रहेगा ना, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ऐसे करके। और यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देते, क्योंकि अपना यहाँ पे घर बनने वाला है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना भी सामान है, जितना वेस्टेज सामान है, जितना बेकार सामान है, सारे के सारे बेकार सामान को हम लोग ऊपर ही रख देते हैं, और उसके बाद जितने भी वो अपने जो सामान है ना, वो सारे के सारे सामान को आगे की तरफ को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है ना, अब सिंपल सा ट्रिक है भाई, कुछ नहीं करना है, आप लोग समझ के देख करके क्या करना है। लेफ्ट हैंड में आप लोग को कंक्रीट पकड़ना है, उसके बाद और अपने को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में कंक्रीट पकड़ा, यहाँ पे ऐसे आया और क्राउच करा, बस इसको तोड़ना है, ठीक है ऐसे करके भाई, बस तोड़ते जाओ ऐसे करके। ये बहुत सिंपल ट्रिक है ब्रो, ऐसे करके मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे इजी ट्रिक है, आप ऐसा डालो बस और इसको तोड़ते जाओ भाई, नो कुछ करने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे तोड़ते जाओ, आपकी इन्वेंट्री में भी आता जाएगा मस्त तरीके से, देख रहे हो फटाफट आ रहा है भाई, बहुत इजी ट्रिक है भाई ये ही ना बात। तो फटाक से यार इसको भी पूरा का पूरा करते हैं, मेरे को तो भाई टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम एटलीस्ट तो आधा घंटा तो लगेगा भाई, मिनिमम आधा घंटा लगेगा और मैक्सिमम तो कह ही नहीं सकते। तो चलो यार इसको भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप लोग को तो खैर 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको भी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
तो ऑलरेडी सारा काम हो चुका है, यहाँ पे मैंने आउटलाइन भी बना लिया है डर्ट को ऐसा लाइक कर करके। अब यार देखो क्या करना है ना, बेसिकली हम लोगों को कंक्रीट लगाना स्टार्ट करना है, ग्रे कंक्रीट से स्टार्टिंग करते हैं। तो आप लोग जैसे देखो यहाँ पे मैंने अब बताऊंगा नहीं भाई, सारे लोग कॉपी कर लेते घर को, दैट्स भाई इतना तो समझा करो यार थोड़ा, बोलो यार ये सीक्रेटली बनने वाला है पर्सनली, तो तुम लोग अगर बोलोगे तो मैं यार ऐसे क्रिएटिव वर्ल्ड में जा करके इसकी ट्यूटोरियल दे दूंगा। तो आप देखो क्या करना है ना, सिंपली यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक दो, इस हिसाब से यहाँ पे लगाया ऐसे करके दो। अब यहाँ पे से देखो जो बाकी के इधर साइड से है ना उनको ऐसे फिल करना है ऐसे करके, और इनको एक बस ऐसे करके बाहर निकालना है ऐसे करके, और उधर भी तो एक बाहर निकल गया लाइक इस तरीके से जैसे बाहर निकला हुआ, ठीक है। अब यार देखो क्या करना है ना, इस अर्चो तो ऐसे हो गया, अब सेम टू सेम उधर साइड को ऐसे करना है, ये देखो ऐसे ऐसे करके इधर करा, बस एक साइड ऐसे इधर निकाल दिया और एक साइड ऐसे एक साइड इधर निकाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया आई नो दैट, बट इसकी जो ये जो साइज है ना इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, एक एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, वाइट वाला कंक्रीट लगाना है, वाइट वाले कंक्रीट को भी सेम टू सेम इंच निकालेंगे ऐसे, एक इधर कर दिया, अब ये बराबर फिनिश पे आया, ठीक है। आउटलाइन इसके अब एकदम मस्त होगा, और बीच वाले इसको काट देते हैं, क्योंकि यार ये दो साइड से मैं आगे बताऊंगा क्यों कट करा मैंने, सारी सारी चीज़ बताएंगे जस्ट आप लोग देखो। उसके बाद देखो हम लोगों क्या करना है ना, वाइट कंक्रीट लगानी है अब जिधर साइड वाले से, ठीक है। ये जो साइड वाला रोज आ रहा है ये वाला ये एरिया जस्ट लाइक ये वाली एरिया है ना, ये वाली लाइन के नहीं, इधर से ऐसे पहले इसको कट करेंगे और इसके बाद भी इसको ऐसे कट कर देंगे, क्योंकि यार मेरे को अब दिख रहा है कि अगर मैं लगाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में यार, वो अभी सोच करके लग रहा था अरे यार ये कहाँ कहाँ लग जा रहा है, मैं लगाना कहाँ चाह रहा हूँ, ये लग कहाँ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, इसे भी पहले तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगाया, ये हो गया डन इधर का। अब सेम टू सेम उधर का भी ऐसे ही डन करना है जो इधर मैंने ऐसे डन करा। अब ऐसे करके ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अरे भाई चलो ये हो गया। अभी से देखने में कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हो भाई, लग रहा है ऐसे अभी बस पानी डालूं और भाई इसमें ही सोचो। चलो उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्लैब्स लगा दें नीचे में, ज़्यादातर मैं ऐसे पूरे फटाक से सब में स्लैब्स भर लेता हूँ, एक इधर 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 फटाक से सब के ऊपर स्लैब्स लगाने हैं, ठीक है। वो आप लोग बस देखो भाई कितना मस्त और लग्जरी हाउस बनने वाला है ना, आप लोग भाई जस्ट इमेजिन कांट इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन कि कितना मस्त बनेगा भाई, लिटरली बहुत ही ज़्यादा डूम हाउस बनने वाला है, लाइक समझो कि बहुत ओपी, ठीक है। तो ये हो गया इधर को। अब यहाँ पे ना एक काम करना, हम लोगों को स्टेयर डालना है यहाँ पे, देखो पहले इधर एक ऐसे एक और रखना है और यहाँ पे एक स्टेयर डाल देता हूँ मैं, ठीक है, इधर को साइड से ये वाली कहाँ चल, अच्छा ये स्टेयर से यहीं पे, तो ये डाला और एक यहाँ पे बीच में ये डाल दिया, चलो डन। तो यहाँ पर ये जो आउटलाइन की पूरी बेस थी जो हम लोगों ने बेस बनाया, ये जो हाउस का बेस है ये पूरा फुल टू फिनिश हो चुका, ये हाउस पूरा फुल टू फिनिश है। अब दो लाइन यहाँ पर डालना और बीच में डोर जाएगा, ठीक है, ये दो लाइन डाला इधर से और दो लाइन ऐसे बैक साइड से जाएगी, और ये डोर जो ये जो बन रहा है ना ये बीच का जो एम्प्टी हाउस है यहाँ पे अपना डोर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पे एक और ऐसे जंप करके और इधर से भी एक और जंप करके ऐसे और बीच वाले ऊपर में ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया डन। और यहाँ पे एक डोर भी लगा देता हूँ, तो बट यार डोर तो है नहीं, डोर बनाना पड़ेगा है, मैं सारी प्रिपरेशन करता नहीं हूँ पहले और भाई काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं यार डोर तो बन जाएगा। यहाँ पे डोर की रेसिपी क्या है भाई, देखो जिन लोगों को पता नहीं, मैं जावा एडिशन पहली बार खेलता हूँ तो मुझे किसी चीज़ की रेसिपी पता नहीं है, तो बस मैं सारी की सारी रेसिपी बस सीख रहा हूँ अभी, तो कोई भी नूब या फिर ऐसा कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि देखो सीरियसली यार मुझे पता नहीं है तो अब क्या ही कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे ला करके लगा दिया, देखो अब ये जो डोर है ना ये डोर हम लोग को ऐसा नहीं लगाना है, हम लोग को ग्रे कलर का वो जो डार्क होता है ना डार्क डोर चॉकलेट टाइप का आता है वो वाला डोर लगाना है, और सारे के सारे जगह पे डार्क वाला वो डार्क वुड ही यूज़ होगा, और डार्क वुड डार्क ग्लास जहाँ जहाँ मैं ग्लासेस यूज़ करूँगा वहाँ पर डार्क होगा, तो मैं बाद में मेकअप कर दूंगा, ठीक है। चलो ये हो चुका डन यहाँ पे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, वो ये चीज़ जो ऐसे कर दिया, अब यहाँ से इसको सेम टू सेम लाइनअप करना है ऐसे करके, एक दो ऊपर पे आया और यहाँ पे यहाँ पे, अब सेम ने भी इधर भी करना, मतलब इसके सामने भी ऐसे करना है ऐसे, इसका भी इसके इजीली एक और लेना है ना हम लोगों को। चलो एक और हो गया, यहाँ पे भी ऐसे करके एक और, इधर भी फिल करा, इधर भी फिल करा, इधर भी फिल कर दिया। चलो ये चीज़ हो चुकी है डन। अब यहाँ पे ना लाइन, अब यहाँ पे ना क्या करना है, बॉल करना है, ये जो ब्लैक वाली जा रही है मतलब ग्रे वाली, पहले इसको सबसे पहले ऊपर को ऐसे बॉर्डर दे देते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है ना, ये लाइन जो ऐसे करके बॉर्डर जा रही है ग्रे कलर की ऐसे साइड से, तो इसको पूरा फुल वॉल कवर करना है। ये जो ऐसे करके जा रही है ऐसे, देखो एक दो और एक को ऐसे 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 ऐसे
ऐसे और एक और इधर का भी ऐसे छोड़ देना, ठीक है, अभी छोड़ देना फिलहाल के लिए। ये भी करेंगे पहले सो जाते फटाक से, क्योंकि रात हो चुकी है और कभी भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता एक आग क्रीपर आके फोड़ दे भाई, पूरा मेहनत बेकार, ठीक है, तो वो नहीं चाहता। तो ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम हम लोग काम करेंगे फटाक से, बहुत जल्दी। तो लेट्स गो, मेरा माउस काम नहीं करता है कभी, तो लेट्स गो। यहाँ पे हो चुका ये चीज़, अब इसको सबसे पहले ऐसे करके ऊपर में ला देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ये हो चुका कवर अप एकदम फाइनली मस्त तरीके से। अब क्या करना है ना, हम लोग को वाइट कॉन्क्रीट का यूज़ करना है, ठीक है। तो लेट्स गो, यहाँ पे वाइट कॉन्क्रीट का भी यूज़ करते हैं और फटाक से डोर को हटा देते हैं, क्योंकि डोर का भी तो काम नहीं है हम लोगों को, तो लिटरली डोर को तो साइड ही रख देते हैं, ठीक है। अब इसको पूरा ऐसे कवर अप करके इधर से ही लेता हूँ, बाकी बीच में चढ़ करके वो कर लेंगे, ठीक है। एक दो और एक और जाएंगी ना इधर से, ऐसे तीन, तो वो मैं कवर अप कर लूँगा ऐसे करके। एक और लग गई ये इधर से और ये, अरे अरे भाई ये यही होती है भाई जब जल्दीबाजी में मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैं जब जल्दीबाजी में काम करता हूँ तो ऐसा ही होता है, और थोड़ा माफ़ करना मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो दैट्स वाई बीच में कर रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। तो लेट्स गो, यहाँ पे एक और लगा दिया। अब यहाँ पे पूरा फुल टूस कवर करना है अपने को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेगा क्या? नहीं, इतने दूर से नहीं ले रहा भाई, इतना पॉकेट एडिशन ही सही है यार। एटलीस्ट दूर से करूँगा तो भाई वो दूर से ही ले लेता है ना, वो चीज़ सही लगती है, तो पॉकेट एडिशन की वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो अभी इस पे वर्क कर रहे हैं, तो इस पे ही वर्क करते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे भी ऐसे करके लाना है और एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। देखो यार, देखो काफ़ी सारे लोग घर बनाते हैं वो अपने माइंड से नहीं बनाते, देख करके बनाते हैं, और हाँ मैं भी देख करके बना रहा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन यार मेरे को घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था माइंड में, मेरे माइंड में लेकिन अलग सा हाउस था, बट वो नहीं बना रहा क्योंकि वो वुड का था, मेरे को एकदम लग्जरी, एकदम जो कहते ना भाई लग्जरी टाइप का घर चाहिए था, तो मैंने उस टाइप का सोचा कि चलो यार लग्जरी मॉडर्न हाउस बनाता हूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब यहाँ पे देखो एक गलती होगी मेरे से, मैं इसको तोड़ देता हूँ, उसके बाद तोड़ने के बाद क्या करना है ना, यहाँ पे मेरे को वो करना था यार, लिटरली मेरे को ग्रे वाला लगाना था और मैं वो ग्रे वाला लगा ना पाया। यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे ग्रे आएगा, एक ऑनलाइन ग्रे की आएगी, इधर भी ग्रे की आएगी, और ये वाली वाइट टूटेगी और यहाँ पे भी ग्रे लगेगी, ये वाली वाइट टूटेगी ऐसे करके और यहाँ पे भी ग्रे ही लगी ऐसे करके। ये देखो ये हो गया डन, अब सही है ना, अब प्रॉपर तरीके सही है। अब क्या करना है, बस इसके जो साइड से जो ओपन एरिया है उसको भी फिल करना है, ये जो ताकि आने जाने का रास्ता ये पूरा फुल टूस कवर हो जाए, ये वाला एरिया ऐसे करके मुझे इसको भी कवर करना पड़ेगा। और ये जो बीच का एरिया है इसे छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऊपर और नीचे आना जाना करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि इसको भी हम लोग फुल टूस कवर ना कर दें। अब देखो बात आती सीलिंग की, तो मुझे पूरा का पूरा सीलिंग को भी कवर अप करना पड़ेगा, तो ये पूरा सीलिंग को भी कवर कर लेते हैं। तो चलो यार, इसमें कवर तो करने वाली कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको भी कवर कर लेंगे, तो फिलहाल तो इसको कवर कर लेते हैं। ऑल राइट, यार सीलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब यार इसके बैक साइड में आते हैं, घर के बैक साइड में, और यहाँ से हम लोग स्लैब लगाते हैं, ओक की स्लैब। बट यार देखो, मैंने पहले बताया था कि ओक की स्लैब नहीं, यहाँ पे डार्क ओक स्लैब लगेगी, ठीक है। डार्क मतलब डार्क स्लैब लगेगी, बट यहाँ पे डार्क वुड नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको कवर अप कर दूंगा, बट उसकी वीडियो नहीं, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि यार पास में मैंने जब घूमा था तो मेरे को जस्ट थोड़ा सा पास में मुझे वो स्प्रूस की और डार्क वो जंगल की सारी की बायोम दिखी थी, मतलब लगभग हमारे में इतना लकी लियो कि भाई आसपास जो लोग कह रहे हो ना कि स्नो बायोम और बहुत सारे बायोम्स हैं, तो वो चीज़ की दिक्कत नहीं है मुझे, किसी चीज़ की रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फटाक से स्लैब्स बना लेते हैं ढेर सारे, क्योंकि अभी स्लैब्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, लिटरली स्लैब्स की तो ज़रूरत ही ज़रूरत है। तो चलो ये चीज़ हो चुकी, अब यहाँ पे ना इसको पूरे के अरे यार ये बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, गलती हो जा रही है। तो चलो इसको ऐसा करके पूरा और एंड तक कर देते हैं, और सबसे पहले इसको कट कर लूँ, और यार यहाँ से कर लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं जब यहाँ पे आए हैं, तो इसको भी ऐसे करके टान लेते हैं, क्योंकि यार ये दिक्कत नहीं करने वाला ना, लास्ट में चल के फिर बाद में चला तो दिक्कत हो जाएगी, तो दैट्स राइट। इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मैं खाली टाइम पे बैठा रहूँगा और तब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। ये वीडियोस वगैरह बनाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, कभी वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो ये आपको पूरा फुल टूस एकदम बढ़िया रेनोवेट होकर के मिलेगी, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं गाइस। तो अब यार देखो बात करते हैं ना, यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। इसको ऐसे दो लेनी है हाइट पे, ठीक है, यहाँ पे कैसे छोड़ देना है, और इधर से भी ऐसे कट कर देता हूँ यार, यहाँ पे लिटरली ऐसे करके गलत हो जा रहा है। अब यहाँ से ऐसे करके ये एक ऐसे टाइप का बना देना है, ऊपर से भी ले करके ये, और ऊपर से कवर कर देना है ये जो दो लाइन गैप में है, एक और एक दो, ठीक है, यहाँ पे डन हो चुकी। अब यहाँ पे जो डोर के बगल वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस, यहाँ पे हम लोग को वो लैंटर्न लगानी है, ठीक है। तो बट अभी हमारे पास लैंटर्न तो है नहीं, तो खैर वो तो दिक्कत वाली बात नहीं, आयरन मिलेगा तो लैंटर्न
लैंटर्न भी बन जाएगी, तो दिक्कत वाली बात नहीं भाई। देखो अभी टॉर्चेस भी नहीं मेरे पास, जो कि मैं टॉर्चेस फिलहाल लगा देता तो पता चलता कि यहाँ पे लैंटर्न लगानी है अपने को। तो चलो ये चीज़ हो चुकी, अब बात करते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि यार सेकंड फ्लोर भी हमें इसको तो बढ़ानी ही है ना, तो दिक्कत नहीं करनी अपने को। तो चलो फटाक से सबसे पहले ऊपर चलते हैं और ये लेट्स गो, आ चुके ऊपर मस्त तरीके से और यहाँ पे आ जाते हैं। चलो अब देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या करना है, यहाँ पे जो लाइन है ना ये वाली वाइट की वाली, वाइट वाली यहाँ पे ग्रे कंक्रीट से सारा काम होगा। अभी यहाँ पे एक ऐसे करके रखना है मेरे को, एक ऐसे यहाँ पे एक और इसके ठीक इधर पे, ठीक है यहाँ पे एक। अब इसके भी हाइट को करनी है, इसको दो दो हाइट को कर लेते हैं फटाक से, क्योंकि यार देखो इसको दो हाइट करेंगे यहाँ पे ग्लासेस लगेंगे, बट अभी ग्लासेस तो है नहीं मेरे पास, बट मैं सैंड को फंडेंस में लगा देता हूँ ताकि यार ऐसे मैं ग्लासेस लगा पाऊँ। इधर से साइड से कॉर्नर से ग्लासेस जाएंगी और मैं, मेरे पास ग्लासेस नहीं है, मेरे को सर भाई फंडेंस बनाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ भाई सैंड अपने पास तो बची पड़ी होगी, बस यार मेरे को फंडेंस चाहिए, मैं यहाँ पे फटाक से ले लेता हूँ कॉबल स्टोन और फंडेंस में लगा ही देता हूँ या लगे ताकि ग्लास भी बन जाए अपना। तो ऑल राइट यार, जब तक फंडेंस में मैंने लगाया है सैंड को और जब तक वो ग्लास में कन्वर्ट होता है तब तक यार उसके दूसरे एरिया का हम लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि यार देखो ऐसे लेट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो और यार फिर ऐसे थोड़ा सा लाइक मेरा काम भी रुके, मैं फटाक से सारा काम भी कर लूँ और मेरा काम भी हो जाए। तो ऑल राइट यार यहाँ पे ऊपर में आ चुके हैं। अब यार देखो क्या करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे इसके ठीक थ्री ब्लॉक को छोड़ करके, ठीक है एक दो तीन और एक यहाँ पे एक ऐसे देना, ठीक है, क्योंकि तीन के ब्लॉक को छोड़ करके गैप रखनी है हमें और यहाँ से एक और मतलब वो आएगा, ठीक है आप लोग समझ रहे हो। और कहने का मतलब वो है कि यहाँ पे एक और अंदर से दो सेकंड फ्लोर बनेगा ना, तो रूम उसका भी बनने वाला है, ठीक है। तो फटाक से मैंने गलती कर दी, यहाँ पे लगानी थी मुझे, अब इसको दो की हाइट को करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं यार, ये देखो भाई गलत भाई लग जाती है ना कहीं कहीं पर, तो गुस्सा आता है मेरे को भाई, मैं लगाना कहाँ पर चाहता हूँ लग कहाँ पर रहती है, तो वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फटाक से करते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे देखो एक जो इतनी स्पेस छोड़ी थी मुझे, यहाँ पे एक और वो कंक्रीट लगानी पड़ेगी। अभी फिलहाल तो इसका पूरा का पूरा ऊपर का जो अच्छा सा हम लोगों को जो बेस है वो बेस बनाना पड़ेगा। अब यार ग्लास का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो मैं फिर यार वेट उतना नहीं कर सकता ग्लास के लिए, बट हाँ मुझे ग्लास का वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ग्लास अपने को लगाना है। तो अभी सबसे पहले क्या कर देना, एक इधर से बाहर को निकाल करके इसको करना पड़ेगा शायद से मेरे को, और यहाँ पे भी एक और ऐसे करके कॉन्क्रीट लगने वाला है, ठीक है मतलब वो वाला कॉन्क्रीट, ठीक है। तो जस्ट मुझे इसका वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे बाहर से लगाना पड़ेगा, यार ये दिक्कत हो गया मुझे, एक हाइट की और करनी पड़ेगी इसे ऐसे करके। देखो मैं अभी बताता हूँ कैसे लगी, ये देखो मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी, ये लगाना था मुझे यार ऐसे करके, यहाँ पे लगाया और उधर गया मैं ऐसे करके और ये लगाया इधर, ये लगेगी ऐसे, ठीक है समझ रहे हो कैसे लगेगी, ऐसे लगाया ना, अब ये घूमेगी चारों तरफ से, तो इसकी हाइट से पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ढेर सारा ढेर सारा तो नहीं, इससे 16 ही बनेगा मे बी शायद से, एक ग्लास के कितने 6 ग्लास से ही बनता है ना शायद से, और ये भाई मेरे को इसका पता नहीं कैसे बनते हैं प्लेन ग्लास वगैरह, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है लिटरली ऐसे बनते का भाई कैसे बनते हैं ग्लासेस, भाई ग्लासेस का बता दो यार मुझे, लिटरली ग्लासेस के बारे में नहीं पता भाई, ग्लासेस कैसे बनते हैं, प्लेन ग्लासेस लिखना पड़ेगा, ग्लास ये वाला ग्लास। और एक्चुअली में मुझे ये वाला ग्लास नहीं बनाना होता है, जो स्टेन ग्लास होती है ना मुझे उसकी स्टेन ग्लास बनानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए सारा चीज़ मैं नॉर्मल करने वाला हूँ, जब मुझे मिलेगी मैं ग्रे और वाइट वो स्टेन वाला बना लूँगा, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं है, मैं बाद में सारा काम कर लूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से बस इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यार ये जो ग्लास मैंने लगाया था इसको आउटर साइड पर ऐसे करके लगाना है, ठीक है ये ऐसे, ये देखो ये ऐसे निकला, अब इसको एक और एक्स्ट्रा निकालना है, बाहर की तरफ को होकर के ये जाने वाला है, ऐसे निकला और इसको एक और ऐसे देना पड़ेगा लग जाए भाई बस, हाँ ये ऐसे हो गया, और एक फिर इधर से लेकर के ऐसे, ये ऐसे और नीचे ऐसे, और बाकी इसको इसको पूरा का पूरा कैप्चर कर देना अपने को, ठीक है फुलफिल कर देना ऐसे करके ये भी। चलो सबसे पहले सो जाते हैं भाई, देखो मेरे को बस सोने का इसलिए है ना, मैं डर इसलिए रहा हूँ कि भाई क्रीपर ना आ जाए, भाई अगर क्रीपर आ जाता है ना दिक्कत हो जाए, फिर अभी तुरंत बनाया और वो फिर फॉरवर्ड देता है तो भाई मैना डुअल मैना लग जाती है यार, तो वो सब दिक्कत वाली बात होती है। तो चलो वो चीज़ तो खैर बात की बात है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और सर्च कर लेता हूँ, ग्लास, ये ग्लास प्लेन, अच्छा 16 ऐसे बनेगी, ठीक है मेरे पास भाई ग्लास ही नहीं है, मैं ग्लास ही नहीं लिया हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ मैं,
ग्रे वाली, वो वाली मेरे को बनानी थी यार, जो वाइट लाइन की जो स्टेन प्लान होती है ना वो कैसे बनती है, बस वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी कलर का जो है ना वो स्टेन ग्लासेस थी, बट मैं वो स्टेन ग्लासेस लगा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों। तो खैर उसकी देख लूँगा मैं, और किसी न किसी तरीके से बन जाएगी, बोल क्या व्या चिपकाना पड़ेगा, तो खैर मैं उसका देख लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हम लोग थे यहाँ पे, इसको लगाते फटक फटक काम करते, ठीक है इसको इधर से लगाते, तो ये हो गया डन हमारा, ठीक है ये पूरा ग्लास डन हो गया, और एक इधर इधर और एक इधर और ये इधर लग जाएगा, ठीक है तो ये हो चुका डन। अब यार वाह ये हो गया भाई, ये कांड हो जाता है हमेशा, मैं अभी गिर गया और ये हो रहा है कांड, ठीक है तो ये हो गया। और उसके बाद अब ऊपर में जो ये था ना, इसको मुझे काटना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा, मैं काटना बोल रहा हूँ, इसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार ये जो था ना ये गलत हो गया, ये देखो ऐसे लाऊंगा ना तो ये हाइट यहाँ जा रही है, बट मुझे इसे ऊपर से चिपकाना है, तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ये देख रहे हो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार इसे मैंने गलत चिपका दिया है, समझ रहे हो, मैं चिपकाना क्यों बोल रहा हूँ, मतलब गलत ऐसे लगा दिया है ब्लॉक्स को, मुझे ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा यार, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, तो उसको मुझे इस साइड से लेकर के आना पड़ेगा, समझ रहे हो, लाइक अगर ऐसे नहीं लाया तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब जाकर के प्रॉपर तरीके से ये बनेगी, ये देखो ऐसे लाया मैंने और एक और करा, अरे यार एक और जाएगी, शिट ये गलत हो गया ना, ये देखो भाई प्रॉपर नाप के करना पड़ता है, मैं भी वही सोचूं भाई क्या ही गलत कर रहा हूं मैं, हर जगह पे गलत हो रही, ये इधर डाला, हाँ अब सही है, एकदम सीधा आएगा, ये ऐसा करके ऐसा कर दिया, ये होगी परफेक्ट टेक, एकदम परफेक्ट हो गई। अब इसको ऐसे सीधा करके लाना है, ऐसे करके ठीक है, ये पूरा राउंड जाएगा, और ये जो पीछे मेरे साइड्स में जो वॉल है ना वहाँ तक ला करके इसको छोड़ देना है, ठीक है मैं बताता हूँ कहाँ पर ला कर छोड़ना है, और ये ऐसे और ये एक और आएगा बस ऐसे करके, ये हो गया डन, यहीं पे छोड़ देना है इसको, इसको एक और नहीं लाना है, यहीं तक छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से दूसरा एक और रूम बनने वाला है, समझ रहे हो, एक और वो रूम बनेगा और ऊपर पूरा कवर अप होकर, मतलब ये थोड़ा सा दो तीन फ्लोर की, मतलब टू फ्लोर्स का वो हाउस बनने वाला है, इसके ऊपर पूरा वो कवर अप होकर के वो बन जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारा का सारा चीज़ कर दूंगा। अब मुझे ग्लासेस लेने और भी, और यहाँ पे मैंने फ्यूल के नाम पे घंटा नहीं लगाया भाई, कुछ भी नहीं लगाया, तो चलो कोई बात नहीं यार, ग्लास वगैरह ले लेते हैं, और सारी की सारी चीज़ बताती यार, काम नहीं रुकना चाहिए अपना। तो गाइस जब तक वो हमारा मिरर बन रहा है, मतलब जब तक ग्लास बन रहा है तब तक यार हम लोग आगे का काम करते हैं, और थोड़ा सा 16 ग्लास मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर यार देखो, अगर क्योंकि रुकूंगा वेट करूंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और काम भी पेंडिंग पड़ जाएगी, तो सबसे पहले यार यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ, अरे यार ये शिट, एक एक्स्ट्रा लग गया ना, अब थोड़ी सी गलती हो जाती है, वो दिक्कत हो जाती है, प्लेन फिर टूट नहीं पाता, सिल्क टच अपने पास है नहीं, चुकी यार मैं कर सकूंगा, तो यार यहाँ पर देखो बात कुल मिला के ये है कि अब हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि यार ग्लास भी वेस्ट हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा, तो सबसे पहले देखो आगे का काम जो भी है वो फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यार देखो काम नहीं रुकना चाहिए, अभी भाई इधर से कितना मस्त लग रहा है। उसके बाद देखो व्हाइट कलर कंक्रीट में हम लोग इसको पूरा साइड अप जो है इसका पूरा साइड से ऐसे करेंगे, ठीक है ये जो साइड से रोज आ रही है इसको पूरा फिल करेंगे, ठीक है तो चलो यार इसको भी पूरा फिल करते एकदम मस्त तरीके से, ठीक है क्योंकि आगे भी तो फिल करनी है ना। अरे भाई ये गलत, जब भी मैं करूँ भाई गलत ही लग जाए, ये अलग पता नहीं कहाँ कहाँ खुड़खुड़ी मचाते रहती है, तो चलो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि यार हम लोग कर लेंगे, अब इसलिए यार अब करना ही तो पड़ेगा ना हम लोगों को। चलो इसको लाइन करते हैं पूरा ऐसे करके, और यहाँ से वो लेंगे ना, ठीक है एक और ऐसे करके ऊपर जाएगा ये एक और, भाई पूरा एकदम सही से देखना पड़ता है, क्योंकि यार देखो बीच में पूरा ग्लास ही आने वाला है शायद से, अब पता नहीं क्या आने वाला है वो देख करके पता लगेगा, मेरे को तो लग रहा भाई पूरा में ग्लास ही लगेगा। यस ब्रो पूरे में ग्लास ही लगेगा, तो इधर पूरे में ग्लास लगाने वाले हैं अपन एकदम मस्त तरीके से, और इसको पूरा मतलब ये रूफ जो है ना ये पूरा रूफ ऊपर भी कंप्लीट होगा, उसके बाद एक छत टाइप की बनेगी, तो कुल मिला के यहाँ पे दो बनेगी, और दो मतलब कि वो जो अपना होगा ना कि टू फ्लोर की उसके बाद नहीं होगी, तो वो चीज़ होने वाली है, ठीक है तो यार ये वाला ऊपर जो है इसको भी पूरा फिलअप करते हैं, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं और टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, तो चलो यार इसको भी पूरा फिल कर लेते हैं, उसके बाद ही अपने को मिलना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यार रूफ का काम हो गया, और यार यहाँ पे नीचे मैं ग्लास भी लेकर के आ गया, और यहाँ पे फटाक से ग्लास को लगा देता हूँ, क्योंकि यार देखो ग्लास यहाँ पे लगेगी, और ये जो पूरे में ना ग्लास लगने वाली है, बट यार यहाँ पे मैं दूसरा ग्लास लगा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं यार कि वो ग्लास कैसे बनती है, बट जैसे मेरे को पता चलेगा ना मैं ग्लास रिप्लेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में और टाइम तो लगेगा ही नहीं, और सारी की सारी चीज़ कर लूँगा, इधर ग्लास वो कर लूँगा, और जब तक छोटा मोटा जो भी काम रहेगा वो सारे काम कर लूँगा। और यार देखो रिकॉर्डिंग करने टाइम भी मेरी FPS काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है यार, 50
मैक्सिमम 60 तक तो जाती है। अगर आप लोग को भी यार ऐसी FPS चाहिए कि यार पोजैब लॉन्चर में बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग के साथ आए, तो यार मेरी ये वाली वीडियो जाकर के देखो, फटाक से कमेंट में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, उधर से जाकर के चेकआउट कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है वो वाली, आप लोग को बूस्ट कर देगा भाई बहुत ही ज़्यादा। तो चलो देखो, अब यहाँ पे काम है ना कि इसको ऊपर से ऐसे करके पूरा चारों तरफ से ऐसे घुमाना है, ठीक है, ये ऐसे करके आगे को, ठीक है, मतलब ये सिर्फ व्हाइट वाले की तरफ से ऐसे करके घुमाना रहेगा, बट यहाँ पे ये वाला इसको घुमाते हैं, ठीक है, ये ताकि देखने में खूबसूरत लगता है, बट यार यहाँ पे डार्क वाली लगती, बट ये वाला लगा रहे, तो बट मैं कोई ना उसको सही कर दूंगा जब वो अपने को वो वाली बायोम में जाऊँगा ना, वो वाली बायोम तब जा करके कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो लग चुकी यहाँ पे, अब यहाँ पे एक जो वो बनाने वाली है हम लोग, ठीक है, तो इधर से लग चुका, अब यहाँ पे नीचे आ जाते बाहर का ये वाले का काम, ये पीछे साइड का काम है हम लोगों को, ठीक है, ये पीछे साइड से ऐसे जो देख रहे हो ना यहाँ पे, तो मेन तो काम हम लोगों को उसका ही है। फटक से यार हेल्थ भी बहुत डाउन हो चुका है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग ब्रेड खा लेते हैं, लेट्स गो। और हाँ यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो यार उस चीज़ के लिए सॉरी, बट यार देखो ये घर भी तो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे ये वाला घर बनता है मैं सेकंड में लाइनअप के लिए मैं फटाक से डायमंड माइन पे जाऊंगा, उसके बाद मैं किसी तरीके से विलेजर को यहाँ पे ला करके विलेजर हाउस भी बनाऊंगा, मतलब सारा काम अब भाई जल्दी जल्दी करना है अपने को, उसके बाद फिर गेम को भी बीट करनी और मस्त मस्त बिल्ड करने भाई, अब तो सिर्फ और सिर्फ बिल्ड ही रह गया करने को। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ढेर सारे पहले वुड लेकर के आता हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट कर लेते हैं भाई, जल्दी से जल्दी सारा काम करना पड़ेगा। तो और यार दोस्तों यार यहाँ पे सारी चीज़ मैंने ले ली है, अब यहाँ पे क्या करना है ना, देखो ये जो वाइट लाइन से है, अब इस वाइट लाइन को सारा का सारा काम वाइट लाइन से ही है, तो इस वाइट वाले मतलब कंक्रीट से ही करना हमें, यहाँ पे ये आ चुका बॉर्डर टाइप से, अब यहाँ पे इसकी जो ऐसे मतलब राउंड टाइप में जाना है ना, तो इसको मतलब राउंड टाइप में ही लेनी है पूरी, फुल टू सुधर तक जाएगी ये, एक और टाना इसको, और ये मिड से भी लेना पड़ेगा ऐसे करके भाई, फटाक फटाक काम करो भाई, पहले इतना फास्ट काम नहीं करता था, खेलते खेलते आदत हो जाती है, सारी की सारी चीज़ भाई लाइन में चलती है अपने से, तो उसकी दिक्कत तो है, वो सारे के सारे चीज हो जाते हैं। तो चलो इसको तोड़ लेते हैं फटाक से, और यहाँ पे भी इसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो अभी फटाक से रात हो रही है, देखो जैसा कि मैंने कहा था भाई लिटरली भाई डर क्यों ना लगे, क्रीपर अगर आ गया ना और गलती से फट फूट गया तो भाई काम बन जाता है, ठीक है, तो क्रीपर फटना नहीं चाहिए, अगर क्रीपर बूम से फटा तो भाई सत्यानाश, फिर तो पूरा घर चला जाएगा बोरो, सीरियसली में सारा घर जाएंगे मेरा, मैं डूब जाऊंगा भाई लिटरली, मेरे मैं तुरंत घर बनाऊँ, मेरा सारा जा रहा है। तो यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं मस्त, अरे भाई वो देखो कहाँ लग गया, वो अंदर लग गया, चलो खैर इसको तो तोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो काम है इसके ऐसे साइड से ये भी जाएगा, ताकि ये कैसे बॉर्डर टाइप का लगे कि मस्त तरीके से, हाँ भाई लग जा रहा है भाई, घर तो बड़ा लग्जरी टाइप का लेकिन बन रहा है भाई, जो लोगों को घर पसंद आ रहा है ना बनने टाइम पे मैं पूरा दिखा दूंगा, अगर जिन लोगों को पसंद आ रहा है ना प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आज इस वीडियो वाले में एम रखते 20 AM का गोल है, तो प्लीज़ यार 20 लाइक करा देना, ताकि यार अच्छा लगे, देखो यार हम लोग ऐसे बड़े यूट्यूबर तो है नहीं जो छोड़े हैं, तो यार प्लीज़ 20 लाइक, ज़्यादा अमाउंट नहीं आप लोग करवा दोगे होपफुली, क्योंकि यार देखो मैं ऐसा सुना व्यूज ज्यादा आते हैं बट यार लाइक नहीं बनती, और कभी कभी सब्सक्राइबर नहीं बनते, कभी कभी 1K 2K व्यूज जाता है बट सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सारे लोग लाइक नहीं करते, बस वीडियो देख के छोड़ देते, चलो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा करोगे तो भाई अब तुम्हारे भाई का ही फायदा होगा। तो चलो यहाँ पे देखो अभी फटाक से ऊपर की तरफ को उसका भी कर लेते हैं बेस फटाक से, ऑल राइट जी आ गया मैं ऊपर, पानी हटा लो ऐसे, चलो ये पानी हट गई, अब देखो क्या करना है ना भाई, देखो यहाँ पे सबसे मेन थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रे वाली लगानी थी ग्लास, ये देखो यहाँ पे जो ग्रे स्टेन ग्लास होते हैं ना भाई वो वाली लगानी थी, बट मेरे पास यार ग्रे स्टेन ग्लास नहीं था, फिलहाल के लिए मुझे यही लगाना पड़ेगा भाई, ये चीज़ सैड लग रही थी, बट कोई बात नहीं, मुझे जैसे ही पता चल जाएगा कि वो कैसे बनता है, मैं ट्यूटोरियल वगैरह जो भी YT पाते हैं वो चीज़ मुझे पता चल जाएगी कैसे लगाते हैं, तो मैं बस सारी की सारी चीज़ें लगा दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यार आप लोग क्या ही बोलो भाई, जस्ट लाइक कर दो यार इस चीज़ के लिए, वो जो थोड़ा सा सैड तो लग रहा है मैं उस चीज़ के चक्कर में। तो चलो भाई देखो रह रहे पता नहीं ये क्या हो जाता है भाई, मोबाइल को थोड़ी सी स्टक हो जाती है, तो चलो ये तो हो गई काम ख़त्म, अब इसको ऊपर लेके चलते, क्योंकि यार सारा का सारा तो ऊपर ही करना है, अगर मेरे को बनाना पड़ने अगर बनाना पड़ेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, दैट्स व्हाई मैं तो ऊपर की तरफ को चल रहा हूँ, और इधर से ही सारा काम करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद फटाक से क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, और यहाँ पर देखो मेरे पास अभी 19 स्लैब्स हैं, बट इतने स्लैब्स में मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे और भी स्लैब्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, स्लैब्स का काम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अपने पास वुड तो नहीं है, इससे नहीं बनता क्या,
भाई मेरे को लगा कंक्रीट वाला स्लैब बनता है भाई, बनना चाहिए था यार माइनक्राफ्ट में, पता नहीं क्या धोखाधड़ी वाली चीज़ है। तो मैं जो वाइट वाली चीज़ है पता नहीं वो कहाँ से लगाऊंगा, बट मेरे को वो वाइट वाली लगानी है यार। ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, अपन करते ही है एक और चांस लेकर के, कोई बात नहीं मैं वो ही वाला लगा दूंगा अगर इससे नहीं बन रहा है। देखो ना मैं किसी भी तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, बट वो वाइट वाली बनी नहीं रही है, जो वाइट ऐसा स्लैब टाइप की बनती है ना, स्लैब नहीं बन रही है। मैं ट्राई करता हूँ कि यार उससे ही करूँ, फिर मुझे बाद में जब जाऊँगा तो कहीं से वाइट स्लैब लेकर के चोरी वोरी करूँगा तो फिर जाकर के लेकर के आऊँगा। प्लैंक्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ना स्लैब्स लग रहा है ना प्लैंक मिल रहा है, मतलब प्लैंक तो इसे ही कहते हैं ना। तो अभी ऊपर मुझे वो स्लैब्स लगाना पड़ेगा, जो वुडन का स्लैब है ना, ये वाली वुडन स्लैब, तो मुझे वो लगाना पड़ेगा। अगर वाइट कॉन्क्रीट लगाते तो पूरा एक बॉक्स चला जाएगा जिसमें मज़ा नहीं आएगा, इसमें स्लैब ही लगेगा ऊपर में, अब 100% श्योर हूँ मैं। ये वाली स्लैब जो देख रहा ना, मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा यार। देखो अभी ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लाइक यार मतलब इससे स्लैब बन ही नहीं रहा। मेरे को लगा था शायद मैं भी, देखो यार मैं इतने दिन से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, आई डोंट नो यार कि शायद से इससे स्लैब नहीं बन रहा, बट यार कॉन्क्रीट का भी स्लैब होना चाहिए यार, कि अब इससे ही स्लैब लगाना पड़ेगा। देखो कितना बेकार लग रहा है यार, लाइक अगर इससे लगाएंगे तो फिर बेकार सा लगेगा। तो चलो कोई बात नहीं यार, इधर से अपन कर लेते, ऊपर से स्लैब लगा लेते, इधर चारों तरफ से ऐसे स्लैब लग गया, इधर से अब इसको ऐसा फुल टूस कवर करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो यार मैं तो सोच रहा था कि अगर स्लैब बन जाता उससे तो अब फिर यार उसका ही स्लैब लगा लेते, अब यार फाइनली अगर स्लैब बन नहीं रहा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो देखो अब जो काम बचा है वो मुझे ऊपर रूफ का भी काम करना पड़ेगा, और ये जो साइड टू साइड आप लोग जो देख रहे हो गैपिंग, अरे यार ये एक मिनट माउस भाई क्या ही अटकता है, गंदा वाला अटक रहा है माउस। चलो एक मिनट इसको तोड़ लेते हैं फटाक से, ये हो गया टूट गया। अब यार फटाक से सबसे पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर का जो वो ये जो रूफ का काम है वो कर लेते हैं, तो उसके बाद रूफ का काम करने के बाद सारा काम डन। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने पूरा, मतलब क्या ही बोले यार, कितना मस्त लग रहा है, एकदम लग्जरी टाइप का लग रहा है ये भाई, क्या बोलो भाई, दिल को छू लिया। और यार चलो यार इसी को मैंने F1 क्लिक करोगे तो पूरा HUD हाइड हो जाता है, तो मैं उसका एक एनिमेशन टाइप का बना करके आपको दिखाता हूँ। तो चलो यार एंजॉय करो, छोटा सा एनिमेशन है, जस्ट एंजॉय इट। तो यार फाइनली मैंने मतलब ये वाला बना लिया और कितना मस्त लग रहा है, तो यार होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, क्या ही बोलूँ मैं, फर्स्ट वर्ड्स नहीं है। चलो कोई बात नहीं यार, फाइनली आप लोगों को वीडियो शायद से पसंद आएगा, पसंद आया जिनको वीडियो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और इसके साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए यार दोस्तों बाय बाय।